आज हम सीखेंगे have to और must में डिफरेंस। दोनों का अर्थ एक ही होता है कि ये करना चाहिए, must, have to, लेकिन दोनों के यूसेज में क्या डिफरेंस है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज हम जानेंगे have to और must में डिफरेंस, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है, obligation, मतलब आपको ये काम करना ही करना है, have to और must, लेकिन इन दोनों का ग्रामर के हिसाब से यूज़ अलग अलग होता है। एक तो हम मस्ट के साथ कभी टू का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे ही मस्ट टू लिसन टू हिज फादर, ये गलत होगा। सही होगा ही मस्ट लिसन टू हिज फादर। तो मस्ट के साथ हम टू को यूज़ नहीं कर सकते। जब हम मस्ट को प्रयोग में लाते हैं तब उसका अर्थ होता है नॉट अलाउड, मतलब आपको ये काम करना ही करना है। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट नॉट चीट ऑन द एग्ज़ाम, मतलब यू आर नॉट अलाउड टू चीट। या नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी मस्ट नॉट अलाउ अवर सेल्व टू बी डिसऑनेस्ट, इसका मतलब हुआ वी शुड नॉट अलाउ अवर सेल्व टू बी डिसऑनेस्ट। अब हम देखते हैं हैव टू का यूज़ कैसे यूज़ करते हैं। उसका जहाँ हम लिखते हैं हैव टू, उसका अर्थ होता है नॉट ऑब्लिगेटेड, मतलब करना है उसको। यू डोंट हैव टू ड्राइव मी टू स्कूल टूडे, आई एम गेटिंग अ राइड फ्रॉम अ फ्रेंड। तो इसका अर्थ हुआ यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू ड्राइव मी टूडे टू द स्कूल, इट इज़ नॉट नेसेसरी। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट हैव टू लिसन टू यू, इसका मतलब हुआ आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू डू वॉट यू से, मतलब आई डोंट हैव टू लिसन, हैव टू का मतलब नॉट ऑब्लिगेटेड। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, मस्ट नॉट को तो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मस्ट के बाद मस्ट नॉट, कोई बात मना करनी है, जबकि हैव टू के बाद हैव नॉट हम कहकर मना नहीं कर सकते। देखिए सेंटेंस देखिए, यू मस्ट स्टे होम नाउ, यहाँ मस्ट का यूज़ किया, यू मस्ट नॉट लीव द हाउस आफ्टर 8 PM टू नाइट, तो यहाँ पर हमने मस्ट नॉट का यूज़ किया। अगर आप ऐसे लिखते हैं यू डिडंट मस्ट लीव द हाउस आफ्टर 8 PM लास्ट नाइट, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम हैव टू का यूज़ देखेंगे। हैव टू का यूज़ हम तीनों टेंसेस में कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, यू हैव टू फीड द चिकन्स एट 5 AM, अगर पास्ट टेंस करेंगे यू हैड टू फीड द चिकन्स एट 5 AM, या नेक्स्ट सेंटेंस यू विल हैव टू फीड द चिकन्स एट 5 AM। तो हमने तीनों टेंसेस में हैव टू का यूज़ कर लिया। अब एक बात और, मस्ट का यूज़ हम कभी कभी गैस लगाने के लिए, अंदाज लगाने के लिए भी कर सकते हैं, जबकि मस्ट का कर सकते हैं और हैव टू का नहीं कर सकते। देखिए, हेलो यू मस्ट बी ए जॉब कैंडिडेट, ये राइट है, हेलो यू हैव टू बी अ जॉब कैंडिडेट, ये रॉन्ग हो जाएगा। मस्ट और हैव टू का यूज़ हम शॉक या आउटरेज, गुस्सा दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव टू बी किडिंग मी, या यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी, या यू मस्ट बी किडिंग मी। तो मस्ट भी आ गया, हैव टू भी आ गया, दोनों ही राइट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ईयर 2020 मस्ट बी द वर्स्ट ईयर ऑफ द सेंचुरी सो फार, ईयर 2020 हैज टू बी द वर्स्ट ईयर ऑफ द सेंचुरी सो फार। तो हैज टू आ गया या मस्ट भी आ गया, दोनों करेक्ट हैं। इस तरह हम हैव टू और मस्ट का प्रयोग और डिफरेंस समझ सकते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।